हाय दोस्तों, मैं युवराज कटारे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल श्रीराम गैरेज। दोस्तों ये देखिए, जेसीबी 3DX मशीन है, इसका आज हम ये जो स्टेपलाइजर का इनर आता है उसके पैड नए डाल रहे हैं और इसमें प्ले हो गया था दोस्तों, तो इसको पाटे भी मारे हुए हैं नीचे। तो ये पैड लगा के इसको पाटे मार के फिट कैसा करते हैं ये देखिए दोस्तों, यही आज हम आपको बताने वाले हैं। ये देखिए, ये पैड को ऐसा थोड़ा ग्रीस लगा के चिपका सकते हैं यहाँ पर, ताकि फिट करते वक्त गिरना नहीं चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये ऐसा दोनों तरफ इसको पकड़ लेना है। ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा अटक रहा था, तो उसको हमने थोड़ा ठोक दिया स्क्रू ड्राइवर से, तो ये चला गया है अंदर। ये देखिए दोस्तों, ऐसे फिर अंदर डाल के मशीन को धीरे धीरे डाउन करना है, ये ऐसे बैठ जाएगा दोस्तों, बहुत ही आसानी से बैठ जाता है। खाली इसको सीधा रखना है, सीधा पकड़ के रखना है और धीरे धीरे मशीन को डाउन कर लेना है। ये देखिए, उसके बाद में दोस्तों ये टामी डाल के इसको पहले रैम को, ये इनर को ऊपर उठा लेना है। उसके बाद इसको डाउन करके ये देखिए ऐसे ही इसको यहाँ पे पिन अटका के रख सकते हैं। उसके बाद में रॉड को नीचे ले लेना है और इसको पिन निकाल के मैच कर लेना है होल। होल मैच करने के बाद ये देखिए दोस्तों, ऐसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको उठा के डाल सकते हैं। ये देखिए, अभी ये दूसरी तरफ का भी वैसे ही हम मैच कर लेंगे। ये देखिए, हमने उधर से इनर को पिन लगाया हुआ है और रैम को पहले नीचे के फुट में मैच कर लेंगे, उसके बाद में ये पिन मैच करके लगा लेंगे दोस्तों। ये देखिए, ऐसे इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से दबा के उसको मैच कर सकते हैं। ये देखिए, ये पिन हमारी मैच हो चुकी है। अभी हम इसका क्वार्टर पिन लगा लेंगे नीचे का। ये देखिए, पिन मैच हो चुकी है। मैच होने के बाद ये क्वार्टर पिन लगा लेना है दोस्तों। ये देखिए, ये क्वार्टर पिन हमारी लग चुकी है। क्वार्टर पिन लगाने के बाद, फिट करने के बाद दोस्तों, इसको पहले पूरा ऊपर अंदर बाहर करके चेक कर लेना है, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, पाटा अगर ज़्यादा ये हो गया तो पूरा अंदर जाता नहीं है स्टेपलाइजर, इसीलिए ये पहले एक दो बार पूरा नीचे ऊपर करके चेक कर लेना है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको मिल जाए। ये देखिए दोस्तों, ये बोल्ट फिर टाइट कर लेना है अच्छे से। तो चलो, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।